नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेन फूंक दी और नवादा में बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई। यूपी से बिहार तक कई जगहों से आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार की भी इस योजना का राजनीतिक दलों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नई स्कीम को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अग्निपथ बेरोजगारी कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं। हमारे सैनिक आपकी योजना नहीं है, वे आपके दिमाग की तरंग की प्रयोगशाला नहीं है। अग्निपथ देश के हित में नहीं है। जिसके बाद एक और ट्वीट कर ओवैसी ने प्रदर्शनकारियों पर हरियाणा पुलिस की गोलीबारी का वीडियो शेयर किया और लिखा कि तू नहीं थकेगा कभी, तू नहीं रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। साथ ही लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, ना इन्हें कपड़ों से पहचानिए, ना ही गोली और बिल्डोजर चलाइए, अपना फैसला गलत है वापिस लीजिए, देश की 67% आजादी युवाओं की है, बात को समझिए। आपको बता दें कि बाकी विपक्ष नेता अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह, मायावती और अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी सेना की इस नई स्कीम को गलत बताया है और जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन के साथ।